अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आपको मिलवाते हैं नगमा से। नगमा अच्छी नहीं है, बीमार है। कैसा लग रहा है नगमा? कैसा लग रहा है? इसलिए आज का ब्लॉग हम स्टार्ट किए हैं। मेडिसिन ले रही है नगमा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरा आँख वगैरह फूल गया। पूरा रात मतलब सांस लेने में नहीं बन रहा था, ये सब पूरा बंद था। और फीवर है पूरा, मतलब बहुत ज़्यादा ही अंदर से तबीयत खराब है। मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा अंदर से। ये मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है थोड़ा सा। और पता है क्या हुआ, कल नाइट में जो है ना, गैस भी खत्म हो गया, इत्तेफाक की बात। अब उसके लिए ये आपको भी जाना प्रॉब्लम पड़ेगा। हो अभी गया। दवाई खाओ, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। चलिए, तो बाकी अभी हम बाहर निकल रहे हैं, कुछ सामान लाना है और फिर गैस भरवा के फिर आएंगे। फिर नगमा अगर ब्लॉगिंग कर सके तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपना कमान संभालेंगे। ठीक है, मिलते हैं। तो ब्लॉग शाम में शुरू कर दिया और मैं देखती हूँ कहाँ तक हो पाता है, कैसे हो पाता है। वैसे ब्लॉग करूँगी और कोशिश करूँगी ब्लॉग करने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं। बहुत सारे कमेंट आए हैं फ्रेंड्स, खास करके कल के ब्लॉग में इतने कमेंट आए हैं कि दी हम आपके ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं नगमा, हम आपके ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरी तबीयत को लेकर आप लोग इतनी फिक्रमंद है, तो मुझे लगा ना कि छोटा ही मोटा जितना जैसे भी जो भी ब्लॉग बन पाएगा ना, वो आप लोगों से शेयर कर दूंगी। और मुझे ना पहली बार देखिए फ्रेंड्स, बोलने में भी तकलीफ हो रही है। मुझे पहली बार एक चीज़ बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, कि आप लोगों ने वेट लॉस का ब्लॉग ही, मतलब डाइट वाला ब्लॉग नहीं, आपने कहा कि कुछ भी थोड़ा भी नगमा आप अपना शेयर किया करो, मुझे कुछ भी बस आपको देखना है। तो ये चीज़ ने मुझे सच में मेरे दिल को छू गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो शुक्रिया दिल से आप लोगों का, कि आप लोग को मतलब मुझे देखना है। ये नहीं फरमाइश है कि ये आप टाइट दिखाओ, ये आप लोगों ने कहा कि नगमा कुछ भी बस आपको देखना है, कुछ भी मगर ब्लॉग आप डालो। सो थैंक यू उसके लिए डियर। और हमेशा हम गए मेरे लिए शायद कुछ नाश्ता वगैरह लाने के लिए, क्योंकि गैस भी ख़त्म है। अगर घर में गैस रहता तो शायद वो थोड़ा बहुत कुछ घर में बनता। और पूरा नाइट सोने में फ्रेंड्स मुझे इतनी तकलीफ हुई है, पूरा ये सब पेन कर रहा था, पूरा बॉडी इस तरह से पेन कर रहा था ना। मैं ये करवट ले रही तो पूरा हड्डी से कट कट करने की आवाज़ आ रही थी, मतलब इतना फीवर था ना उसको, पूरा हड्डी वगैरह सब पेन कर रहा था। और आप लोगों को तो पता ही है, कोई भी तकलीफ जो है ना, दिन में किसी तरह हैंडल कर रहे तो वो चीज़ नाइट में और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा कल भी ऐसा ही था, कल मैं डे में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, तो मुझे लगा ना कि अब मैं अच्छी हो गई, और नाइट में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। और अभी भी है, मतलब अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, बट नाइट में जितनी प्रॉब्लम थी उतनी प्रॉब्लम अभी नहीं है। दिन भर मतलब ऐसे ही रहता है, दिन भर थोड़ा बर्दाश्त के लायक रहता है, बट रात में लगता है कि मतलब क्या ही हो गया। और मेरा पता है फ्रेंड्स, आँख खुल रही ना तो पेन कर रहा है, ये सब देख रहे हैं, फूल फूल के एकदम मोटा मोटा हो गया, ये फूल गया पूरा नाक, मतलब उंगली उंगली सब मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। पता ना कि मुझे जब भी फीवर वगैरह लगता है ना, ठंडी असर होता है ना, ऐसा ही होता है। ये देखिए मेरा उंगली पता है फूल फूल के ना, अंगूठी जो मैं रिंग पहनी हुई थी, ये देखिए ये सब फंस रहा है। मतलब ऐसे मैं मुट्ठी बांध रही हूँ ना तो लग रहा है जकड़ रहा है मेरा मुट्ठी सब में, इतना मतलब सूजन सूजन आ गया है। तो यही है, आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता, लेकिन मुझे मेरा रीज़न ये हो जाता है ना कि मेरे घर में और कोई है नहीं, कि मेरी तबीयत ख़राब है तो चलो मैं रेस्ट कर रही हूँ, घर कोई देख रहा है, रेस्टिंग वगैरह खाना वगैरह का इंतज़ाम हो रहा है, वैसा है नहीं, सब परेशान हो जाते हैं और पूरा गंदगी फैल जाता है अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है तो। ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब नहीं ले लेकिन कुछ ना कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं करने लग जाती हूँ, वो चीज़ें हैं। इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ, ताकि जो है ना, ऐसे तो आप लोग देखते हैं माशाल्लाह मैं फिट करके अपने आप को वेट लॉस करके हेल्दी रहती हूँ, मतलब अच्छी रहती हूँ। लेकिन ये तो सीजनरी जो चीज़ें होती है, जैसे अभी मौसम चला हुआ है तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता, वो तो होगी होगी, वो तो हर किसी को अटैक होगा, तो वही चीज़ मुझे भी हुई है। और तो चलिए शाम क्या लाते हैं नाश्ता वगैरह, तो फिर नाश्ता करूँगी क्योंकि ना वीकनेस भी लग रहा काफ़ी। और हाँ फ्रेंड्स, कल मैंने जो दिन सूट सिला था, ये वाला देखिए, इसका गला मैंने ऐसा बनाया था। अभी मैं थोड़ा सा आपको बैक कैमरा से भी दिखा दूंगी, ये देखिए, मतलब थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये देखिए, ऐसे करके हमने ऐसे ये वाला रेड का ये पट्टी डाल करके ऐसे गला बनाया था। और ये दुपट्टा वगैरह तो मैंने आपको दिखाया ही था पहले। और ये जो स्लिप्स हमने बनाई थी, ये देखिए, ये थोड़ा ढीला ढाला ही हमने बनाया था कि ताकि नमाज वगैरह पढ़ती हूँ ना तो वजू करने में ऊपर कर सकूँ, तो इस टाइप से बना लिया था, थोड़ा लूज बनाया था हमने। और पीछे भी हमने बहुत अच्छा नेट पे डिज़ाइन दिया है, बट वो मैं अभी नहीं दिखा सकती।
और देख रहे फ्रेंड्स कितना सूजन है, मतलब स्माइल मतलब हंसने की कोशिश कर रही हूँ तो लग रहा है ये सब ना पेन कर रहा है मेरा दर्द से। और दावन कैसा मैं बनाई वो भी आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। तो दावन जो बनाई थी फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से हमने ना, क्योंकि इसका बॉटम जो था ये मरून लोअर सॉरी मरून कलर का था, तो हमने सोचा कि बॉटम जब मस्टर्ड येलो है तो इसमें मरून कलर का लैस डाल देती हूँ, तो ये लैस डाल दिया कि ताकि ना इसका पूरा अच्छा सा टच हो। तो ये स्लीव्स रहा हमारा और ये हमने डाला, और इसमें जो है ना ये समोसा पट्टी लैस हमने साइड साइड से डाल करके और ये लैस बैठा दिया, तो इसका ना कुछ ऐसा लुक आ रहा है। ये देखिए ये दामन का कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और सलवार में तो आपने को बताया ही हमने कि मैंने ना वही सलवार बनाई है, और पटियाला तो नहीं हो पाया क्योंकि पटियाला में कम से कम 3 मीटर कपड़े लगते हैं और मेरा ये 4 मीटर मैंने लिया था, तो 2 मीटर सलवार के लिए थे और 2 मीटर ये, तो फिर भी सलवार थोड़ा घेर वाला बना है बट पटियाला टाइप का नहीं बना है, बट जो भी है कम्फर्टेबल अच्छा है। तबीयत ख़राब होती है ना मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जैसे ही तबीयत ख़राब हुई एक तो मेडिसिन चलेगा तो आपका जो है ना वेट बढ़ेगा, उससे ऊपर से जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो मतलब थोड़ा मन अजीब हो जाता है, कुछ अजीब अजीब चीज़ों की क्रेविंग हो जाती है, कुछ 32 बार फिर नहीं कर पाती वो सब करने में एकदम अजीब लगता है कि बस किसी तरह खाना खा लूँ सो जाऊँ वो सब चीज़, तो सब मतलब जो रूटीन है मेरी इधर से उधर हो जाती है, तो उस चक्कर में भी जो है ना फिर वेट फिर से मेरा बढ़ जाता है। ये पिछली बार भी हुआ था, अभी भी मैंने पता अच्छा खासा वेट लॉस किया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और देखिए आज तीसरा दिन जा रहा है फिर मेरी तबीयत ख़राब है, 3 दिन से खाना पीना बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है। हाँ कल तो मैं ब्लॉग ही नहीं बनाई थी फ्रेंड्स क्योंकि मेरी तबीयत कल भी सही नहीं थी, बट कल यहाँ एक छोटा सा कुछ त्यौहार था, क्या कुंडाला करके कोई त्यौहार बोला जाता है, तो उसी पर जो है ना शाम के यहाँ जो स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं तो उसके गार्जियन से मतलब उनके घर से तोहफे वगैरह आ गए थे, जैसे खीर पूरी इसमें बनता वो सब आ गया था, तो वो सब हमने खाया था और मुझे अच्छा भी लग रहा था खाने में हमने खाया था, लेकिन कल ब्लॉग बिल्कुल नहीं करने का मन हो रहा था तो मैंने नहीं किया था, मैं सोची कि आज से ही हो जाऊंगी आज से करूंगी, बट तबीयत आज भी ख़राब है तो वो सब खा लिया। अब आप ही बताइए सब जो खा रही हूँ तो फिर से मेरा वेट थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, तो खैर उसके लिए मैं टेंशन में नहीं हूँ क्योंकि वेट बढ़ जाएगा तो पता है फ्रेंड्स वेट बढ़ने को लेकर अब मैं कभी टेंशन में एक्चुअली आती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बस ये रहता है ना कि वेट बढ़ गया तो कोई नहीं, क्योंकि मैंने मतलब इतना अच्छे से उतना ज़्यादा वेट लॉस किया, और जब भी मैं चाहती हूँ ना कि 15 दिन के अंदर में मुझे अच्छा खासा वेट लॉस करना तब मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए मुझे ना उस चीज़ की टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगता है कि अगर सब चीज़ अगर ऐसे चलता रहा तबीयत नहीं ख़राब हुई और जो रूटीन है मेरी ठीक से चलती रही तो और अच्छा रिजल्ट आता, बट बीच बीच में क्या कर सकते हैं मौसम वगैरह का असर हो जाता है तबीयत तो ये ख़राब हो जाती है, तो यही सब है। आज नगमा का तबीयत ख़राब है इसलिए बाहर से जा रहे हैं पूरी रहने के लिए, देखिए यहाँ पे कितना गली में अंधेरा है। देखिए शैम भी आ गए नाश्ता लेकर के, पूरी गरम गरम हाँ। और तुम्हारा गरमा गरम पूरी कोलकाता का, और ये सब्जी इसको ऐसे पेपर पे खोल लीजिए तो उसी पे पूरी रहेगा, क्योंकि आप पे प्लेट लाए नहीं, प्लेट नहीं धुला हुआ था क्या? और गंदे गंदे हैं तो धुल लेते, हमको लेट हो रहा है तुरंत हमको जाना पड़ेगा बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड्स आज ये पूरी और ये सब्जी और ये उसके बाद में ये थोड़ा मीठा खाने का मेरा मन कर रहा, नहीं फट रहा है क्या, खुल नहीं रहा तो यहाँ से आप फार दे ना इसी तरह खाओ, नहीं नहीं इसमें डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा लग रहा है, सब्जी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप प्याला लाते ना, क्या प्याला लाते, बस 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 गिर जाएगा बस, खाओ इसको। तो आज अनहेल्दी नाश्ता नगमा की वजह से, चलिए कर लेते हैं आज क्या दिक्कत है, कभी कभी होना चाहिए नहीं। अच्छा लग रहा था चटपटा था ना, यहाँ कुछ अच्छा हो नहीं हो फिर यहाँ का पूरी अच्छा होता है, कहीं भी आप खाइएगा पूरी अच्छा मिलेगा। देख रहे हैं बंद कर, उधर से आएंगे
इनके फ्रेंड का बाइक लेकर के, क्योंकि हम लोग का तो ब्लैक से गैस भराता है ना, सिलेंडर लेते हैं, तो फिर वो जा करके उनको लाना पड़ेगा। जब देखिए किस टाइम तक गैस आता है, तभी तक, और मेरे मुझे फिर फीवर आ रहा है, तो तभी तक जो है ना फिर खाना वाना क्या बनेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा। और फ्रेंड्स अभी मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, मेरा पूरा एकदम इसी तरह, हमने नाश्ता कर लिया अच्छे से, लेकिन और मुझे ठंडी भी लग रही है और अजीब फील हो रहा है। मैं थोड़ा ना आराम करती हूँ।